हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गोपाल एंड दी हिल्सा फिश। तो ये कहानी किसकी है? गोपाल की और हिल्सा मछली की। ठीक है, तो हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक, आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है। अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। तो कॉमिक बुक में क्या होता है, स्टोरीज बताई जाती है पिक्चर्स के द्वारा। तो ये स्टोरी भी जो है कॉमिक है, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू बताई गई है स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। तो ये किसका सीजन था? हिल्सा फिश का सीजन था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो जो मछुआरे थे वो केवल किसके बारे में सोचते थे? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे, बाकी कोई और मछली वो नहीं पकड़ते थे। वो कौन सी मछली पकड़ते थे? ओनली हिल्सा फिश। फिशरमॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो मछली बेचने वाले हैं वो क्या बेचते थे? सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे। तो ये जो फिश मॉन्गर्स हैं, यानी कि जो मछली बेचने वाला है, वो कह रहा है कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। कह रहे हैं कि आओ खरीद लो, जो हिल्सा मछली है उसका जो उसकी जो कीमत है आज कम हो गई है। और देखो यहाँ पे दिखाया गया कि सब घरों में वही बात हो रही है, हाउस होल्डर्स कुड टॉक नथिंग बट हिल्सा फिश। तो जो घर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। जैसे ये लेडी जो है बात करी कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, इनसे पूछ रही कि उस हिल्सा, ये जो हिल्सा आप लेके आए उसके लिए आपने कितने रुपए दिए। और ये इनको बता रहे हैं यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू, आपको भरोसा नहीं होगा अगर अगर मैं आपको बताऊंगा। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो महल था, पैलेस का मतलब होता है महल, और महल में भी जो राजदरबारी थे वो क्या करते थे? सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे, उनके पास डिस्कस के लिए और कुछ होता ही नहीं था। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे जो पैलेस है उसके जो कॉर्टियर्स हैं वो बात कर रहे हैं। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो ये राजा से कह रहे हैं कि महाराज अगर काश आप देख पाते कि जो बड़ी सी हिल्सा फिश मैंने पकड़ी थी। अब जो राजा जो है उनको बड़ा गुस्सा आ जाता, कहते हैं स्टॉप इट, रुको, आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन। कहते हैं कि क्या तुम राजदरबारी हो या फिर फिशर मछुआरे हो तुम, जो बार बार तुम इस हिल्सा फिश की बात कर रहे हो। तो जो कॉर्टियर्स हैं, द कॉर्टियर फेल साइलेंट, बेचारे चुप हो जाते हैं विद डाउन कास्ट आइज, उनको शर्म आ जाती है। द किंग फेल गिल्टी, और राजा को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने बेकार में इन पे मैं चिल्ला गया। तो राजा जो है वो कह रहे हैं कि आई एम सॉरी आई लॉस माई टेम्पर, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, क्योंकि ये जो सीजन है सिर्फ हिल्सा फिश का है, तो और किसी के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। तो फिर जो राजा हैं वो कहते हैं कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। कह रहे हैं कि जो गोपाल है वो भी किसी को नहीं रोक पा रहा हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। अब जो गोपाल है इन्हीं के दरबार में कोई दरबारी है, ठीक है। नॉट इवन फॉर अ 5 मिनट्स, कह रहे हैं कि गोपाल भी नहीं रोक पा रहा है किसी को बात करने से, 5 मिनट के लिए भी वो किसी को बात करने से नहीं रोक पा रहा है। अब जो गोपाल है वो कहता है कि ओ आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी, कहता है कि महाराज मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे जो लोग हैं वो हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो कहते हैं कि ठीक है तुम एक काम करो, एक बड़ी सी, ह्यूज का मतलब होता है बड़ी, काफी बड़ी, ठीक है। कहते हैं कि बड़ी सी हिल्सा मछली ले आओ और इसको महल में लेके आओ, ठीक है, और ऐसा कुछ करो कि कोई भी क्या करे, कोई भी जो हिल्सा फिश है उसके बारे में तुमसे कुछ भी ना पूछे। अब जो गोपाल है वो कहते हैं आई एक्सेप्ट, कि ठीक है मुझे स्वीकार है द चैलेंज, योर मैजेस्टी, कहता है कि ठीक है ये चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर क्या होता है, जो गोपाल है, गोपाल की जो वाइफ है, अ फ्यू डेज लेटर, यानी कि कुछ दिनों बाद गोपाल की जो वाइफ है, उनकी जो बीवी है, वो कहती है कि वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा जो फेस है तुमने क्यों उसको आधा शेव किया हुआ है, देखो कुछ ऐसे किया हुआ गोपाल ने।
तो गोपाल जवाब देता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक मछली खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उनकी वाइफ है वो पूछती है कि व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है, क्या हुआ, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद एश, तुम अपने मुंह पे अपने पर राख क्यों रगड़ रहे हो, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्स ऑफ फिश। वो कहते हैं फिर से गोपाल की, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक हिल्स ऑफ फिश खरीदने जा रहा हूँ। अब उनकी वाइफ जो है फिर से कहती है, लिसन टू मी, अरे मुझे सुनो प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। तो कहते हैं कि तुम ऐसे गंदे से बन के बाहर नहीं जा सकते, व्हाट आर यू अप टू, तुम्हें क्या हो गया है, क्या करने जा रहे हो तुम, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन। कहते कि अरे औरत मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ बाहर। तो उनकी वाइफ कहती है, इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड, कहती है कि मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं। अब जो है अब गोपाल क्या करता है, मार्केट जाता है। फिर गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस। अब गोपाल जो है बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदते हैं और वो कहाँ को चल देते हैं, फिर पैलेस यानी कि महल की ओर चल देते हैं। मदर, अब जो बच्चे हैं या मार्केट में जो भी लोग हैं वो बात कर रहे हैं गोपाल के बारे में। जैसे छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मदर मम्मी लुक एट दैट मैन, जरा उस आदमी को तो देखो, इजंट ही कॉमिकल, क्या वो बड़ा मजाकिया नहीं लग रहा, उसको देख के बड़ी हंसी आ रही है। और लोग क्या बात कर रहे हैं, ही मस्ट बी अ मैड मैन, जरूर ये कोई पागल होगा, हस आई थिंक ही इज अ मास्टरी, कहते हैं कि मुझे लग रहा है कोई ये सन्यासी भिक्षुक वगैरह है। When Gopal reached the court, तो जब गोपाल जो है वो कोर्ट पहुंचा, what do you want? तो जो वहाँ पे सैनिक खड़े हुए थे वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो गोपाल जो है वो जवाब देता है, I want to see the king, मुझे राजा को देखना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि गोपाल को, गोपाल जो है उसके हाथ में हिल्सा फिश है और लेकिन किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं पता करना है, वो बस गोपाल को देख के पूछ रहे कि ये कैसा बना है, तुम कौन हो, यानी कि हिल्सा फिश से सबका ध्यान हट गया है। अब गोपाल जो है बोलते हैं कि मुझे राजा के पास जाना है, तो सैनिक उसको रोकते हैं कि यू कांट सी द किंग, तुम राजा को नहीं देख सकते, गेट अवे विथ यू। तो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब जो गोपाल है जोर जोर से वहां पे गाना गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। अब महल के अंदर क्या हो रहा होता है, जो राजा है द मैन इज क्रेजी, कह रहे हैं कि राजा जो आवाज़ आ रही है वहां से कि ये आदमी तो पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, कहते हैं कि इसको बाहर फेंक दो। तो गोपाल कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, कहते हैं कि मुझे तो राजा को देखना है, मुझे अंदर जाने दो। अब राजा इन सबकी बात सुनता है, बाहर बाहर की जो आवाज़ आ रही है उनकी बात सुनता है और कहता है कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कहते हैं कि उस आदमी को एक बार मेरे पास लेकर आओ। Yes, Your Majesty. तो ये कहते हैं कि ठीक है महाराज, हम उसको अंदर लेके आते हैं। गोपाल was brought before the king. तो गोपाल को राजा के पास लाया गया। It's Gopal. अब तो जो और दरबारी थे वो पहचान जाते हैं, अरे ये तो गोपाल है। तो फिर जो राजा हैं या और जो लोग हैं बात करते हैं कि this man has lost his mind, कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है गोपाल, I think it's one of his crazy jokes, और कहता है कोई कि मुझे लग रहा है ये गोपाल का कोई मजाक है, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर रहा है। उसके बाद राजा पूछते हैं कि ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू, सबसे बाहर आ जाओ, कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुमने इतने गंदे से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो राजा क्या पूछते हैं, ठीक है तुम इन सबसे बाहर आ जाओ, तुम मुझे ये बताओ कि इतने गंदे से कपड़े तुमने क्यों पहने हैं और तुमने जो अपनी दाढ़ी है वो आधी शेव क्यों करी हुई है। तो गोपाल कहता है कि योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, कहते हैं कि महाराज मुझे लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं। तो महाराज जी कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूला हूं मैं। तो गोपाल जो है वो जवाब देते हैं स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो हिल्सा फिश में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो जहाँ से मैं आया यानी कि मार्केट से, फिर मैं महल में आया, फिर मैं कोर्ट में आया, तो
कोई भी यहाँ पर हिल्सा विश की बात नहीं कर रहा है, कोई भी, सब हर कोई मुझे देख के हैरान है कि गोपाल ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हिल्सा विश की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज इन ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तो फिर राजा को याद आता है कि अच्छा उसने गोपाल के साथ क्या, उसको उसने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। उन्होंने चैलेंज दिया था कि कुछ ऐसा करो कि लोग जो है हिल्सा विश के बारे में कम से कम 5 मिनट तक तो बात ना करें। तो कोर्टियर कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं हा हा वेल गोपाल ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, जो राजा वो कहते हैं ठीक है गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई हो, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से कोई इम्पॉसिबल काम कर दिया है। ठीक है, हाँ तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में क्या था, तो हिल्सा फिश और गोपाल की बात कही गई थी, है ना। तो हिल्सा फिश जो होती है वो सीजनल फिश होती है, तो जब ये फिश मिलती है या जब ये रिवर्स में आती है तो हर कोई क्या खाता है, हिल्सा फिश खाता है, बाकी वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते, और जो फिशरमैन है वो भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।